हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल वी द वंडरफुल्स में। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश में पालमपुर, धर्मशाला या फिर मैक्लोडगंज के आसपास घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही शानदार एडवेंचर कैंपिंग रिजॉर्ट के बारे में। यहाँ आप बहुत ही सारे अमेजिंग एडवेंचर में तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं, इसके अलावा एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत नज़ारों के बीच में स्थित एक बहुत ही अमेजिंग कैंपिंग डेस्टिनेशन भी है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस अमेजिंग एडवेंचर एंड हिल कैंपिंग रिजॉर्ट की हम बात कर रहे हैं वो है धर्मशाला से सिर्फ 15 किलोमीटर डिस्टेंस पर लोकेटेड हिल वेंचर्स कैंपिंग रिजॉर्ट। अगर पालमपुर से इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो है 26 किलोमीटर्स, और पालमपुर धर्मशाला रोड से आपको अंदर की तरफ जो तंग रोड जा रही है वहाँ से आपको करीब 3 से 4 किलोमीटर पर ये आपको हिल वेंचर्स का मेन एंट्री गेट है वो आपको मिल जाता है। यहाँ से करीब 300 मीटर आपको नीचे जाना होता है जो कैंपिंग लोकेशन है वहाँ तक जाने के लिए। और आप देख सकते हैं जो चारों तरफ का जो नेचुरल व्यूज आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही शानदार लोकेशन पे ये रिजॉर्ट लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम फाइनली जो कैंपिंग लोकेशन है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। सामने आपको दिख रहा है रिसेप्शन और इसी के पास में व्हीकल पार्किंग का स्पेस भी है। यहाँ पे हम फाइनली पहुँच चुके हैं जो कैंपिंग साइट है इनकी, एक यहाँ पे काफ़ी सारी कैंपिंग साइट्स हैं और उसमें से एक ही आप देख सकते हैं। और सामने का जो नज़ारा है ये पूरी प्रॉपर्टी का वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी जगह ये लोकेटेड है। और चारों तरफ का जो आपको पहाड़ों का नज़ारा दिख रहा है वो भी यहाँ से बहुत ही अमेजिंग दिखने वाला है। तो अब फाइनली आपको यहाँ पे स्टे करना है या फिर जो एडवेंचर पैकेज है वो भी आप ले सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको आगे वीडियो में ज़रूर देंगे। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ को इन्जॉय कर सकते हैं। तो आपको शुरुआत में बता दें कि यहाँ पे ATV राइड आप कर सकते हैं, एक बहुत ही अमेजिंग सा एडवेंचरस यहाँ पे आपको टेरेन मिलेगा जहाँ पे आप ATV राइड कर सकते हैं अगर आप लाइसेंस होल्डर हैं और अगर आपको ड्राइव करना आता है। तो आप देख सकते हैं ये जो टेरेन बना हुआ है बहुत ही एडवेंचरस है, वाटर स्ट्रीम भी आपको दिख रही है और पूरा का पूरा ये पथरीला सा रास्ता है। तो इसमें जब आप ये ड्राइव करके जाते हैं तो अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस होने वाला है आपका। आप देख सकते हैं ये हमारे लिए भी मतलब ये फर्स्ट एक्टिविटी हमने की थी और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय हमने किया था। और इस एक्टिविटी को तो आप कितनी भी देर कर सकते हैं, हालांकि आपको 2 राउंड्स मिलते हैं अगर आप एक बार ये एक्टिविटी करते हैं तो उसमें 2 राउंड्स आपको मिलते हैं। और यहाँ जो आप इस टेरेन का जो सबसे मोस्ट अमेजिंग पार्ट है बहुत ही शानदार आपको लगने वाला है, उसको आप सामने से देख सकते हैं। ये जो वाटर स्ट्रीम है उसके साथ ये पूरा पथरीला रास्ता आपको यहाँ मिलने वाला है, उसको क्रॉस करना इस ATV के थ्रू एक बहुत ही ज़्यादा यादगार एक्सपीरियंस आपके लिए रहने वाला है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं आगे जो टेरेन है वो भी काफ़ी एडवेंचरस आपको लगने वाला है, इन माउंटेन्स के बीच में से आपको निकलना है और काफ़ी जगह बहुत ही जो रास्ता होगा वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ वाला रहने वाला है। तो अपने आप में ये एक्टिविटी आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहेगी, यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो ATV राइड तो आप ज़रूर करें। आपको बता दें कि इस पूरे के पूरे रूट में आपको कई जगह स्टाफ मेंबर्स मिल जाते हैं आपको गाइड करने के लिए, तो किसी भी तरह का कोई इशू आपको नहीं होने वाला। तो फाइनली अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो कि है स्लिंगशॉट। स्लिंगशॉट भी यहाँ की एक बहुत ही मेन और बहुत ही शानदार एक्टिविटी है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे से बंजी के थ्रू आपको वर्टिकली थ्रो किया जाता है बहुत ही अच्छी खासी स्पीड में, और ये भी अपने आप में एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहने वाला है आपके लिए। तो आप देख सकते हैं फाइनली थोड़ा सा ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के बाद आपको इस बंजी में आपको टाई किया जाता है और फिर नीचे से थोड़े वार्म अप के बाद आपको एक तो बहुत ही एक मीडियम जो लेवल का वो एक शॉट दिया जाता है, और उसके बाद एक फाइनली जो सबसे अच्छा और सबसे एडवेंचरस जो शॉट है वो आपको दिया जाता है, अभी आप देख सकते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी खासी स्पीड में आपको एक तरह से थ्रो किया जाता है इन बंजी के थ्रू ऊपर की तरफ, और ये सच में एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस आपको रहने वाला है। तो इस एक्टिविटी को भी आप ज़रूर करें। तो दोनों पोल्स आपको दिख रहे हैं उनकी हाइट 70 मीटर्स है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का ये एडवेंचर होने वाला है। और साथ ही इस एक्टिविटी के लिए जो आपका वेट है वो 35 to 75 kgs के बीच होना चाहिए और तभी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अब फाइनली हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो कि है बर्मा ब्रिज। आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारों के बीच इन बतकों के साथ भी आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और वहीं पास में ये बर्मा ब्रिज बना हुआ है जहाँ पर आप इस एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं।
हमारी जो बेटी इयाना है जो कि सिर्फ 4 साल की है, उसने भी ये जो बर्मा ब्रिज एक्टिविटी है वो कंप्लीट की। किड्स एक्टिविटीज़ में जो कुछ एक्टिविटीज़ शामिल हैं उसमें से एक है बर्मा ब्रिज। हमें भी हालांकि एक बार लगा था कि इयाना को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस एक्टिविटी में, लेकिन उसने बिना डरे इसको दोनों तरफ कंप्लीट किया इस ब्रिज को, जो कि हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट था। और इसी के साथ बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ प्ले एरिया वगैरह भी हैं, तो वहाँ पे भी अगर आपके साथ छोटे बच्चे भी हैं तो वो अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में, जो कि है बुल राइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बुल राइड का जो सेटअप है वो रेडी हो रहा था, और बगल में ही आप देख सकते हैं ये काफ़ी एक अच्छी खासी एक जिप लाइन भी यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि जब हमने ये विजिट किया था तब जिप लाइन स्टार्ट नहीं हुई थी कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है उसके बीच में से ये नेचुरल वाटर स्ट्रीम भी बह रही है, तो जो भी आपको एक बहुत ही सुकून भरा एक्सपीरियंस देती है यहाँ पे। और फाइनली जो बुल राइड है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हमने इसको एडवेंचर एक्टिविटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी फन एक्टिविटी है और हमने भी इसको बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया। हमने आपस में कॉम्पिटिशन भी किया था कौन कितना टाइम स्पेस स्पेंड करेगा, और लेकिन जो उसका रिजल्ट रहा वो ऑलमोस्ट हम दोनों के लिए टाई रहा और हम दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम के लिए ही इस पर सर्वाइव किया। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही एक मेमोरेबल एक्टिविटी थी हमारी इस कैंपिंग की। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है किड्स बोटिंग। आप देख सकते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के बीच जो बच्चे हैं वो बोटिंग को भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है माउंटेन क्लाइंबिंग, जो कि किड्स एंड जो एडल्ट्स हैं दोनों के लिए अवेलेबल है ये एक्टिविटी। काफ़ी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको लेते हुए आप यहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही एडवेंचरस और काफ़ी थकाने वाली एक्टिविटी है अपने आप में। तो इस एक्टिविटी को भी आप ज़रूर करें, बहुत ही एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहता है। इसमें आप जो माउंटेन क्लाइंबिंग है उसी के साथ आप रैपलिंग का भी यहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और जो माउंटेन क्लाइंबिंग की जो एक्टिविटी थी उसे करते हुए ही जो सनसेट का टाइम हो चुका था, और तो फाइनली हमने जो बाकी की एक्टिविटीज़ है उसको नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन किया और थोड़े रेस्ट के बाद हम फाइनली रात को डिनर के लिए निकले। आप देख सकते हैं रात का नज़ारा जो रिजॉर्ट है वहाँ का, और डिनर के बाद फिर हमने कुछ देर जो हिल वेंचर्स टीम है उन्होंने हमारे लिए बोन फायर का भी अरेंजमेंट किया, तो वो भी एक अपने आप में बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। और जब फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो विंडो से आप ये नज़ारा देख सकते हैं बाहर का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा चारों तरफ का नज़ारा है, चारों तरफ के जो व्यूज़ हैं आपको वो बहुत ही मेसमराइजिंग लगने वाले हैं, और साथ ही यहाँ बहती हुई एकदम फ्रेश हवाएँ आपको बहुत ज़्यादा एक बहुत ही सुखद और बहुत ही ज़्यादा यादगार एक्सपीरियंस देने वाले हैं। यहाँ पे हमने फाइनली जो भी मॉर्निंग में हम यहाँ पे निकले रूम से, तो जो फर्स्ट जो हमें जो झलक दिखाई दी चारों तरफ के व्यूज़ की, वो अपने आप में हमेशा के लिए हमारी यादों में वो नज़ारा बस चुका है। और जो हमारी बेटी इयाना है उसको भी यहाँ का जो यहाँ की जो वाइब्स हैं यहाँ का जो एक्सपीरियंस है टोटल वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हमने कुछ देर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया ब्रेकफास्ट से पहले, और हमारा इस कैंपिंग में जो एक्सपीरियंस था उसको और भी ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए हमने जो आपको सामने नीचे रिवर बहती हुई दिख रही है वहाँ तक ट्रैक करने का भी डिसाइड किया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा हमारा। आप देख सकते हैं इन खूबसूरत से जो ग्रीन मीडोज हैं उनसे होते हुए और जो हम ट्रैक करते हुए नीचे जा रहे हैं। अभी तक का जो हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके हर एक ट्रैवल प्लान में ट्रैकिंग जरूर इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैकिंग अपने आप में आपको एक कंप्लीट ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। और इसके साथ ही जो बहुत ही खूबसूरत से शांति भरे जो नज़ारे आपको दिखाई देते हैं वो भी मोस्टली ट्रैकिंग के दौरान ही आपको देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारी नॉलेज भी आपको ट्रैकिंग के दौरान मिलती है। पहले ये बंद होता है ना, जैसे अगर पेड़ की टहनी काटेंगे ना जैसे ऊपर लगे हुए हैं वो पहले नीचे गिरेंगे, मतलब काट के नीचे गिराएंगे, फिर इसको थोड़ा जलाएंगे, फिर इसके अंदर ये बीज निकलते हैं, जैसे ये जी एक ये बीज है, अच्छा ऐसे ऐसे बीज निकलेंगे ऐसे ऐसे कलर के, फिर इसको खाते हैं, ये गिरी होती है। तो इसी तरह से जंगल और बहुत से इंपॉर्टेंट पेड़ पौधों के बारे में नॉलेज लेते हुए हम फाइनली इस ट्रैक को कंप्लीट करते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के किनारे। यकीन मानिए जो पहली झलक थी इस खूबसूरत से नदी के नज़ारे की वो एकदम होश उड़ा देने वाली थी, बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग सा व्यू हमें यहाँ से दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ जो नदी का पानी है वो एकदम फ्रेश एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी था,
और यकीन मानिए कि जब ये हिमालय से बहती हुई जो नदियां हैं जब आपकी बॉडी को टच करती हैं तो किसी भी तरह का स्ट्रेस एक ही झटके में गायब हो जाता है और आपको जो एक अमेजिंग सी फीलिंग आती है, एक सुकून भरी फीलिंग, और इसी के साथ जो आपकी पूरी बॉडी एकदम रिफ्रेश फील करती है, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इसलिए हम हमारी हर एक ट्रिप में नदी किनारे कुछ टाइम जरूर स्पेंड करते हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं, जो ट्रैक करने के बाद जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी की कैंपिंग में, वो है एक नेचुरल व्यू वाटरफॉल और जो यहाँ पे पूल बना हुआ है वहाँ पे भी हमने अच्छे से टाइम स्पेंड किया। आप देख सकते हैं ये जो नेचुरल वाटरफॉल है उसके साथ ही यहाँ पे एक पूल भी बना हुआ है, तो यहाँ पे भी आप आराम से एक दो घंटे आप स्पेंड कर सकते हैं टाइम। तो जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ट्रैकिंग के बाद और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद जो हमारी एक एक्टिविटी बची हुई थी आर्चरी उसको भी हमने इन्जॉय किया, और उसके बाद हमने जो ये स्मॉल वाली एटीवी राइड है उसको इन्जॉय किया। तो आप यहाँ पे आप चाहें तो कंप्लीट डे का जो एडवेंचर पैकेज है यहाँ पे वो भी ले सकते हैं, जो कि 1000 रुपीज़ पर पर्सन का रहता है, और इसके अलावा बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है वो 200 रुपीज़ पर किड के हिसाब से आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपको, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कैंपिंग साइट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी पैकेज हैं वो आप हिल वेंचर्स की वेबसाइट पर जाकर या फिर हिल वेंचर्स की जो टीम है उनसे कॉल पे डिस्कस करके उसकी नॉलेज ले सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन की नीड हो सकती है। तो इसी के साथ इंडिया के बहुत से ऑफबीट और फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशंस की कंप्लीट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और साथ में अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।